लॉकडाउन में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4.0 को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 में ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कड़ाई से लॉकडाउन पालन कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। रविवार को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA ने केंद्र और राज्य सरकारों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके फौरन बाद ही गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन 4.0 में क्या खुला रहेगा? अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो 2 राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन यहाँ से सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी, यानी ग्राहक रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं। बस डिपो पर चलने वाली कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन 4.0 में क्या बंद रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी। होटल और बार बंद रहेंगे। हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अब खुद राज्य सरकारें तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की ही तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इन जोन्स के अंदर या बाहर की आवाजाही ना हो इसका सख्ती से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहना होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद ही जरूरी काम से ही वो घर से निकल सकेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गावा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इस मुद्दे पर बात करी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में राज्यों से सुझाव मांगे थे। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की थी। इसमें सभी राज्यों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद ही लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश का खाका तैयार किया गया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90,000 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 2800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे लॉकडाउन बढ़ाना लाजमी माना जा रहा था। कई राज्यों ने इसके लिए पहले से ही तैयारी भी कर ली थी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।